हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइटरूम एप्रूवल से कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ब्लैक एंड ब्लू टोन फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, ये फोटो एडिटिंग करने में बहुत ही कम समय लगा है हमको, ठीक है। तो आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। और गाइस, बहुत ही दिनों से मैं अपडेट नहीं था, ठीक है, तो अब मैं यूट्यूब पर रेगुलर अपडेट रहूँगा और वीडियो डेली आती रहेगी, तो अपना सपोर्ट बनाए रखना। ओके, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फोटो है इसको हम शेयर कर लेते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारी फोटो है लाइटरूम ऐप के अंदर आ गई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर मिक्स कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड मिक्स कलर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ग्रीन वाला ऑप्शन पे आएंगे और इसकी सेचुरेशन को पूरा फुल 100 माइनस कर लेंगे, ठीक है, और लुमिनेंस को भी माइनस 19 कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको येलो कलर पे क्लिक करना है और इसके भी सेचुरेशन को पूरा माइनस 100 कर लेना है और लुमिनेंस को भी माइनस कर लेना है 13 के अराउंड। एंड ऐसे ही गाइस सभी कलर की सेचुरेशन को ऐसे माइनस कर लेना है 0, ठीक है। और इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके लुमिनेंस को बढ़ा लेना है, ठीक है, 35 के अराउंड, और सेचुरेशन को माइनस कर लेना है, तो सेचुरेशन को माइनस 18 के अराउंड कर लेना है, ठीक है। और गाइस इतना ऑप्शन करने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको आ जाना है लाइट वाला ऑप्शन पे, और लाइट वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद सबसे पहले इसके शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है, करीब 18 के अराउंड, और वाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेना है 12 के अराउंड। ओके, एंड इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर व्हाइट कलर पे क्लिक करके इसको 3 डॉट ऐसे बनाना है, 1 2 ऐसे 3, ठीक है। 3 डॉट बना लेने के बाद बीच वाला कुछ पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करेंगे और उसको थोड़ा सा ऐसे नीचे, ठीक है। और उसके बाद फिर ब्लू वाला कलर पे क्लिक करेंगे और ब्लू वाला कलर पे क्लिक करने के बाद इसको बीच वाला पकड़ कर थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ऐसे, ठीक है, और इधर से थोड़ा सा कुछ इस टाइप से ऐसे नीचे कर लेंगे। एंड इतना ऑप्शन करने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। ओके, एंड गाइस डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने बाद फिर से कलर ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद कलर ग्रेडिंग पे क्लिक करना है और आपको शेडो वाला ऑप्शन पे आ जाना है और थोड़ा सी सेचुरेशन को बढ़ा लेना है और जो ह्यू है ह्यू को आपको येलो टोन पे रखना है 217 के अराउंड, ठीक है, एंड फिर डन। एंड गाइस इतना ऑप्शन कर लेने बाद फिर आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आना है और गाइस इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद विंगनेट को माइनस कर लेना है, ठीक है, तो विंगनेट को माइनस 25 के अराउंड कर लेते हैं और क्लियरिटी को बढ़ा लेना है, तो क्लियरिटी को 33 के अराउंड बढ़ा लेते हैं और फेदर को थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और थोड़ी सी राउंडनेस को। एंड गाइस यहाँ पर जो हमारी फोटो है पूरी अच्छी तरीके से एडिटिंग हो चुकी है, देखो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो इसको गैलरी में सेव करने के लिए शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये एडिटिंग पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और साथ ही साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे गए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।